दोस्तों, जिस जगह पर आज हम और आप आराम से बैठे हैं, अगर हम कहें कि वह जगह आज से करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री के तापमान से उबल रही थी, तो शायद आपको यकीन ना होगा। इस वीडियो के अंदर आप पृथ्वी के 450 करोड़ साल के सफर को देखने वाले हैं। जिस जगह आज हमारा सौर मंडल है, वहाँ कभी गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के कारण तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट की वजह से अंतरिक्ष की ये धूल एक दूसरे पर प्रेशर डालने लगी और ये धूल के कण गर्मी और दबाव के कारण बड़े उल्कापिंडों में बदल गए। इसी दबाव की वजह से बादलों में मौजूद रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण उल्कापिंड की परतों के बीच में हाइड्रोजन और हीलियम भी इकट्ठा होने लगे। हाइड्रोजन जैसी ज्वलनशील गैस और भयंकर दबाव की वजह से एक और ब्लास्ट हुआ और इसी ब्लास्ट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्टेरॉयड भारी वजन और ग्रेविटी की वजह से सूरज के नजदीक आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे। बाद में चल के इन्हीं एस्टेरॉयड्स में भारी टकराव हुआ, जिसकी वजह से बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार उस समय पृथ्वी और मंगल के बीच थिया नाम का एक ग्रह भी सूरज की परिक्रमा किया करता था। अंतरिक्ष में मौजूद रेडियो एक्टिव पदार्थों की वजह से ही पृथ्वी में भी ग्रेविटी का निर्माण हुआ और पृथ्वी में ग्रेविटी होने से कुछ एस्टेरॉयड्स पृथ्वी की भी परिक्रमा करने लगे और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे। ग्रेविटी की वजह से ही पास वाला ग्रह थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और आकर पृथ्वी से जा टकराया। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के कण अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग बनाकर पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं कणों में टकराव और दबाव की वजह से हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस समय पृथ्वी 1900 डिग्री तापमान पर उबलते हुए लावे का समुद्र हुआ करती थी। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात होती रही और इन उल्कापिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। इस तरह धीरे धीरे पृथ्वी की सतह पर पानी जमा होता गया। वैज्ञानिकों के अनुसार इसी समय गहरे पानी के अंदर से निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। पृथ्वी के सबसे अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थों की वजह से हरदम गर्म रहता था, जिसके कारण पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की संख्या में ज्वालामुखी निकलने लगे और लाखों सालों तक इनका निकलना जारी रहा, जिसके कारण पानी के ऊपर जमीन और पर्वतों का निर्माण होने लगा। वक्त बीतने के साथ साथ पृथ्वी का वातावरण स्थिर होने लगा और ज्वालामुखी निकलने लगभग बंद हो गए थे। उस समय का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गए और धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव हजारों की तादाद में विकसित होते गए और समूहों में रहने लगे। आज से 250 करोड़ साल पहले कुछ ऐसे जीवों का जन्म हुआ जो जीने के लिए पानी के अंदर के खनिज लवण और सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल करते थे और मल के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे और इनकी वजह से वातावरण में धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। इसी ऑक्सीजन से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ। वक्त बीतने के साथ साथ पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट में दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा लाखों सालों तक जमीन की सतह पर आकर खुला उबलता रहा, जिसकी वजह से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई। एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान लगातार घटने लगा और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी की सतह का सारा पानी बर्फ में बदलने लगा। इस वक्त पूरी पृथ्वी सफेद बर्फ से ढक चुकी थी और लाखों सालों तक यही चलता रहा, मगर फिर से पृथ्वी के अंदर की गर्मी ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलना शुरू हो गई और इन ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इसी बीच पृथ्वी की गहराई में बचे कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे अपने आकार बदलने लगे और अब वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने लगे। इस बीच पानी में अलग से कुछ छोटे समुद्री पौधे निकलने शुरू हो गए।
वक्त के साथ साथ बर्फ तो पिघलने लगी मगर पृथ्वी पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई, जिसके कारण फिर से पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा बर्फ से ढक गया। ऐसा बार बार हजारों सालों तक होता रहा और अब समुद्री जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित होने लगे और वे पृथ्वी के बदलते तापमान और वातावरण के हिसाब से ढलते गए। देखते ही देखते ये समुद्री पेड़ पौधे और जीव बड़े होकर फैलने लगे। आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की सतह पर मोसोज नाम का पौधा उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ कई अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उगना शुरू हुए। इनमें से कुछ पेड़ तो 80 से 100 फीट जितनी ऊंचाई तक पहुंच गए। ये वो वक्त था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकलने लगे थे और जमीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे। धरती की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठी हो चुकी थी, जिसे आज हम पैंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और अब दिन 21 से 23 घंटे का रहने लगा था। अब तक समुद्री जीव भी पानी से बाहर रहना सीख गए थे। धीरे धीरे ये जमीनी जानवर डायनासोर में परिवर्तित हो गए। जिन डायनासोर्स ने पेड़ पौधे खाने शुरू कर दिए, उनका शरीर लंबा और विशालकाय हो गया और कुछ डायनासोर शिकार किया करते थे, उनका शरीर छोटा और तेज हो गया। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पैंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया। पैंजिया के टूटने की वजह से पृथ्वी की ऊपरी जमीन पर पानी की मात्रा बढ़ने लगी, जिसके कारण पृथ्वी पर हरियाली बढ़ती गई। इस वजह से डायनासोर्स और भी ज्यादा विशाल होते गए और आने वाले 20 से 30 करोड़ साल तक डायनासोर्स ने राज किया। इस दौरान अफ्रीका से टूटा भारत सीधे आकर आज के तिब्बत से जा टकराया और इस टकराव की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। आज से लगभग 7 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ लगभग 5 लाख करोड़ किलोग्राम वजन जितना है उल्कापिंड बहुत तेज रफ्तार से धरती की तरफ आ रहा था और वह चलते हुए पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से लगभग पूरी पृथ्वी पर आग लग गई और चारों तरफ धूल और जहरीली गैसें फैल गई। डायनासोर्स और पृथ्वी के ज्यादातर जीव इस आग, जहरीली गैसों और भुखमरी की वजह से पूरी तरह विलुप्त हो गए। लेकिन हमारे पूर्वज उस वक्त जमीन के अंदर रहा करते थे, इसके कारण वे बचे रह गए। वातावरण में धूल और हानिकारक गैसों की वजह से पृथ्वी पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हुई और फिर से पृथ्वी बर्फ से ढक गई। लेकिन इस बार यह बर्फ जल्दी ही पिघलना शुरू हो गई। उस वक्त अफ्रीका में घने ठंडे जंगल हुआ करते थे। जैसे ही पृथ्वी पर वातावरण पहले जैसा होने लगा, वैसे ही ये जीव जमीन से बाहर आना शुरू हो गए और इसी बीच ये जमीनी जीव बंदरों में परिवर्तित हुए। मगर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी, वैसे वैसे अफ्रीका के ये जंगल सूखने लगे और जंगलों में रहने वाले इन बंदरों को खाने की कमी होने लगी। खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया और ये पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में फैलने लगे। धीरे धीरे ये बंदर एप्स यानी वानर में बदल गए और उनका रंग रूप भी वहाँ के मौसम के हिसाब से बदलता गया। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने और हमने हथियार के साथ साथ आग का आविष्कार किया। फिर हम धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए और हमने धर्म से लेकर परिवार, भाषा और संस्कृति का निर्माण किया।